ए गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 18 ओम शोज ए डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिवीजन्स। यानी कि हमारे पास एक गैल्वानोमीटर है और इस गैल्वानोमीटर का अपना खुद का रेजिस्टेंस 18 ओम दिया हुआ है, और जब इसमें से करंट यहाँ पे पास होता है तो करंट के पास होने के कारण इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है, जो एरो का जो डिफ्लेक्शन यहाँ पर दिया गया है, तो करंट के पास होने से ये दिया हुआ है कि 30 डिवीजन्स हैं। हम ऐसा करते हैं, इसमें ये मान लेते हैं कि 30 एम्पियर करंट जा रहा है, एक्चुअली ये 30 एम्पियर नहीं, स्केल के अनुसार 30 डिवीजन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आगे कहता है, व्हेन दिस गैल्वानोमीटर इज शंटेड विथ ए 12 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि जब इसी गैल्वानोमीटर में जो करंट जा रहा था, अगर हम लोग उसी में एक शंट को लगा दें और इस शंट का वैल्यू दिया गया है 12 ओम, तो क्वेश्चन यह कहता है कि अब इस गैल्वानोमीटर में कितना करंट पास होगा, यानी कि अब इसका जो डेविएशंस है या डिवीजन्स है वो कितना होगा, हमें वह निकालना है। तो एक बात देखो कि जो भी 30 एम्पियर यहाँ पे माना गया है, करंट को हमने 30 एम्पियर माना था, दरअसल वो 30 एम्पियर नहीं था, वो 30 डिवीजन था, आसानी के लिए हमने उसे 30 एम्पियर लिखा है। तो जैसे ही यह 30 एम्पियर जब जा रहा था और इसको यहाँ पर से इस पॉइंट से दो रास्ते मिलेंगे, तो करंट का जो टोटल 30 एम्पियर है, कुछ हिस्सा गैल्वानोमीटर में भी जाएगा और कुछ हिस्सा ये जो संट है इसमें भी जाएगा। मान लेते हैं अगर गैल्वानोमीटर में आई डैश करंट जाएगा तो इसमें बचा हुआ करंट आई माइनस आई डैश जाएगा, या हम लोग आई माइनस आई डैश को लिख सकते हैं 30 माइनस आई डैश जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस एट गैल्वानोमीटर मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ संट। ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं भी इज इक्वल टू आई आर, तो इसमें जो भी है और इसमें भी बराबर है, तो इसका आई हो जाएगा आई डैश और इसका अपना रेजिस्टेंस हो जाएगा 18 और इसमें आ जाएगा आई माइनस आई डैश और इसका रेजिस्टेंस 12 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें आई का वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 18 आई डैश और ये हो जाएगा 30 माइनस आई डैश इंटू 12, तो 18 आई डैश इक्वल टू 13 इंटू 12 माइनस 12 आई डैश। आप इसको जो है ना, इसको इधर ले आओ, तो ये माइनस में है तो यहाँ आके ऐड हो जाएगा, ऐड होके कितना बनेगा 30 आई डैश इक्वल टू 30 इंटू 12, 30 से 30 कैंसिल होगा तो आई डैश आ जाएगा 12 डिवीजन और यहीं आ जाएगा आंसर।